उत्तराखंड का चुनावी समर अपने उफान पर है और इस बीच एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जो कि बहुत काफी चौंकाने वाली है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो पूरे 5 साल तक विधायक रहे और इस बार फिर चुनाव मैदान में और उनकी ओर से दाखिल हलफनामा ये बताता है कि 5 साल में इनकी संपत्ति तो काफी बढ़ गई लेकिन उम्र थमसी गई है। 5 साल में कई प्रत्याशियों की उम्र केवल 2 या 3 साल ही बढ़ी है, ये चमत्कार है। इसी विषय पर आइए चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। संपत्ति बढ़ी लेकिन उम्र नहीं। तो 5 साल में उम्र घट गई, कमाल हो गया। कौन सी ऐसी दवा है, कौन सी ऐसी बूटी है जो उत्तराखंड के कुछ विधायकों को मिल गई है जिसके बाद संपत्ति में तो धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है, 5 साल भी गुजर जाते हैं लेकिन उम्र पीछे होती चली जा रही है, बहुत कम बढ़ती है। 5 साल में किसी की उम्र 2 साल बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी तो किसी की 3 साल बढ़ी। यह बहुत अहम बात है और यह बड़ा चमत्कार है। लेकिन यह चमत्कार हो कैसे रहा है, जिन पार्टियों ने इन लोगों को टिकट दिया है, इसमें सभी राजनीतिक दलों के शामिल हैं। खासतौर से अगर उत्तराखंड की 2 बड़ी पार्टियों की बात करें जो मुख्य मुकाबले में हैं, तो वहां भी यही हाल है। क्या राजनीतिक दल इस बारे में कुछ देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, या फिर करोड़पति या बेतहाशा संपत्ति वालों पर ही दांव लगाया जाता है। अगर हम वैसे बीजेपी और कांग्रेस के वर्तमान अभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस के ही अगर देखें तो 70 में से 52 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इसी तरह से बीजेपी के 70 प्रत्याशियों में से 48 प्रत्याशी करोड़पति हैं। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उम्र इधर कुछ लोगों की तो थमसी गई है। जिन्होंने पिछले बार जो हलफनामा या शपथ पत्र दिया था उसमें जो उम्र लिखाई गई थी उसके मुताबिक तो अब 5 साल उम्र बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इस बार जो शपथ पत्र भरा है उसमें उम्र 2 या 3 साल ही बढ़ पाई। तो बड़ा सवाल यही है कि ऐसी कौन सी बूटी मिल गई है विधायक जी को, और या सत्ता की इस कदर ताकत होती है कि पावर चेहरे में तो चमक ला ही देता है, पैसे से भी मजबूत कर ही देता है, लेकिन उम्र को भी कम करता चला जाता है। यह बहुत अहम बात है, इस पर हम बात करेंगे और अपने देहरादून से मेहमानों को भी जोड़ेंगे। लेकिन उम्र बढ़ना भूल कैसे जाती है, ये बेहद अहम सवाल है और एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है खासतौर से उत्तराखंड के हवाले से। अब भीमलाल आर्य की ही बात कर लीजिए। भीमलाल आर्य काफी सुर्खियों में रहे, 5 साल तक सुर्खियों में रहे। पहले वो कांग्रेस के टिकट, माफ कीजिएगा, पहले वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और उस समय उनकी उम्र 30 साल उन्होंने लिखवाई थी अपने शपथ पत्र में। और अब जब कांग्रेस के टिकट पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी उम्र मात्र 33 साल ही हुई है 5 साल में, तो 30 से तो 35 तक होनी थी लेकिन 33 ही हुई है। तो ऐसे और भी नाम है, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बलजीत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, और आरपी रतूड़ी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ देहरादून से हैं। आप दोनों का स्वागत है। आरपी अथुड़ी साहब प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस और बलबीर सोनी साहब मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। चलिए सत्तारूढ़ दल से शुरुआत करते हैं जिसने 5 साल शासन किया है अभी उत्तराखंड में। रतूड़ी साहब, ये चमत्कार कैसे हो जाता, आपकी नजर में ऐसा क्यों हो जाता होगा कि कोई अपने हलफनामे में 30 साल लिखवाता है 5 साल पहले और अभी वो सिर्फ 33 या 32 साल का ही हो पाया है? निश्चित तौर पर ये भूल है, लेकिन ये भूल कहीं ना कहीं लिपिकीय व्यवस्था में हो सकती है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। कम से कम अपने बारे में उनको इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए कि हमारी उम्र क्या है। लेकिन कई बार जल्दीबाजी में भरने वाले वकील उनके होते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लिपिकीय व्यवस्था में कहीं गलती हुई होगी, अन्यथा कोई अपनी उम्र छुपा करके उनको क्या मिलने वाला। जी, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी अगर ये भूल है तो एक साथ कई लोगों के साथ होती है। आप सही कह रहे हैं कि लिपिक की व्यवस्था की वजह से ये हो जाता होगा, लिपिक की गलती की वजह से ऐसा हो जाता होगा, लेकिन
अगर ऐसा होता है तो क्या प्रत्याशी को भी इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये प्रत्याशी क्योंकि निर्भर करता है कि मेरा जो एडवोकेट्स है या मेरा जो दोस्त है या जो मेरे वेल विशर है वो ठीक ही भरेंगे। जब उसके सर्टिफिकेट्स हैं तो मैंने कहा नहीं कि इस पर कोई उनकी इच्छा ये नहीं होती कि हम गलत भरें, लेकिन लिपि के व्यवस्था में गलती है, इसको निश्चित तौर पर संज्ञान में रखना चाहिए। बिल्कुल बलजीत जी, मेरा भी यही आपसे भी सवाल है कि प्रॉपर्टी तो काफी बड़ी है जिन्होंने 5 साल शासन किया या जो 5 साल विधायक रहे, हम ऐसे देखें जो 5 साल विधायक रहे चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या बाकी दूसरे दलों के हों, लेकिन उम्र जो है कम हो जाती है, तो प्रॉपर्टी का ब्यौरा तो लिखना बहुत सटीकता से पड़ता है, लेकिन वो लिखते भी हैं कि काफी बड़ी, किसी की अगर पहले 50 लाख थी तो वो अब 1 करोड़ हो गई, उससे ज्यादा हो गई है, ऐसे में उम्र क्यों ऐसी कम हो जाती है आपकी नजर से? देखिए, जिस विधायक का आप नाम ले रहे हैं जी, मैं उनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता जी। कारण ये है कि जो घनसाली के सम्मानित विधायक रहे हैं जी, वह सुबह कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और बोलते हैं। सुबह वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं, शाम को वो कहते हैं कि ये मेरे पिता तुल्य हैं। जिस व्यक्ति का कोई दीन और मजहब ना हो, सुबह की वाणी में कुछ और हो और शाम की वाणी में कुछ और हो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसे आधा दर्जन विधायक हैं बलजीत सिंह जी, आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनके साथ ये गड़बड़ हुई है इस वक्त उत्तराखंड में। इस बात को नहीं देखा कि मैं किस लिखे हुए कागजात के ऊपर दस्तखत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जब दुर्भाग्यपूर्ण विधायक बनकर के आ जाएंगे तो इस प्रदेश का यही होगा। आने वाले समय में भी जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, प्रदेश की जनता सब कुछ इस बारे में देख चुकी है, इनका नाम नौटंकीबाज रहा है अपने समय। बलबीर जी, आरोप प्रत्यारोप पे मत आइए, बलबीर जी आरोप प्रत्यारोप पे मत आइए, हम एक अहम चर्चा कर रहे हैं बलजीत जी, हम एक अहम चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा इस बात पर है कि कोई भी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं देखता है, ये क्यों नहीं समझता है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है विधायकों की, उस तरह से उनकी उम्र क्यों घटती जा रही है, कहां चूक हो रही है? जैसा कि रतुड़ी साहब कह रहे हैं कि लिपि की गलती हो सकती है, रतुड़ी साहब या बलबीर जी, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है, ये हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां होती है, ये क्या जानबूझकर होती है, और अगर जानबूझकर होती तो इसे बहुत जल्दी क्यों नहीं सुधार जाता? रतुड़ी साहब, आप कृपया आरोप मत लगाइएगा, आप इसकी जड़ पर जाइए जी। मैं स्पष्ट, मैंने कहा कि इसमें इससे इसको लाभ क्या हो रहा है, अगर वो उसको 35 के बजाय 33 लिख रहा है तो ना तो उसके वोटर का कोई रुझान का फर्क पड़ता है, ना ही उसकी कोई नियत का कोई उस पर कि उसको कोई धन छुपा रहा है। वो निश्चित तौर पर ये लिपि की है गलती, इससे कोई उसको बड़ा लाभ नहीं हो रहा, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहना है, मेरा ये कहना है कि ध्यान जरूर रखना चाहिए, ध्यान जरूर रखना चाहिए, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी है, वो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, इस समाज के सेवक बन रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो, संवेदनशील समाज के प्रति और कानून के प्रति होना चाहिए। ठीक है बलबीर जी, आप एक व्यक्ति विशेष की चर्चा कर रहे थे, हम तो ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनके साथ ये गड़बड़ हो रही है या जो ये गड़बड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, अगर इस प्रकार का कोई गलत कदम उठा रहा है तो ये तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ रतुड़ी जी की, कि वो त्रुटि वर्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सम्मानित विधायक को अपने कागजों की पूरी जांच करनी चाहिए, और जांच करने के बाद ही उस पर दस्तखत करने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, पूरा समय मिलता है उसको देखने का, उसके बाद स्क्रूटनी का, अगर कोई भूल हुई है तो उसे सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, कांग्रेस या बीजेपी की, दोनों ने जमकर इस बार के चुनाव का, मेरे पास अभी विधायकों की अगर हम बात करें, आपने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है विधानसभा के लिए, उनके पास अगर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, किसी के 52
प्रत्याशी करोड़पति हैं तो किसी के 48 प्रत्याशी करोड़पति हैं। मतलब आप लोगों ने इस मामले में बहुत सतर्कता रखी कि पैसे से मजबूत होनी चाहिए पार्टी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब क्योंकि जो विधायक हैं उनकी संपत्तियों का जो आंकलन है वह उसके जो उस सुन रहे हैं आधार पर होता है, जो सर्कल रेट समय समय पर बढ़ता है। जब पिछला चुनाव हुआ तो सर्कल रेट कुछ और थे, और अब जब चुनाव हुआ है तो सर्कल रेट उसके बाद दो बार बढ़े हैं। तो उसी संदर्भ में उनकी जो पुश्तैनी संपत्तियां भी थी उनके भी रेट बढ़े हैं, तो उस हिसाब से उनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं कोई गलत बात है। ठीक है, इस पर हम और चर्चा करेंगे रतुरी साहब आपसे भी और बलबीर सिंह सोनी जी आपसे भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।